सास बहू का ढाबा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही डिलीशियस बिस्किट्स। इस रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम हैं और ये बिस्किट्स झटपट बनने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं रसोई में और देखते हैं कैसे बनाते हैं गेहूं के आटे से बिस्किट्स। आटे के बिस्किट्स बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा। इसके अलावा हमने लिया है 100 ग्राम पीसी हुई चीनी, 100 ml दूध लिया है, जो हमें इतना दूध तो नहीं लगेगा, इससे कम ही लगेगा। इसके अलावा लिया है आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। 50 ml मैंने लिया है घी। अगर आप घी नहीं चाहें तो आप इसमें मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लेंगे 1 teaspoon वनीला एसेंस, तो मैंने लिया है फ्लाइंग बर्ड का वनीला एसेंस। तो अब एक पतीले में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें आटा। अब हम इसमें डाल देंगे पीसी हुई चीनी, इसमें हम डालेंगे जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है उसका मिक्सचर, ये मैं उसमें डाल रही हूँ। इसे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो चीनी का पाउडर है और जो हमारा बेकिंग पाउडर और सोडा है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स हो जाने पर हम इसमें डाल देंगे घी। घी को जो है मैंने थोड़ा सा पिघला लिया है। अभी घी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मक्खन भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा है। और इसमें हम डाल देंगे 1 teaspoon वनीला एसेंस। अब हम इसका आटा माड़ लेंगे। ये जो आटा होता है ये काफ़ी नरम सा आटा होता है, और क्योंकि हमने इसमें घी डाला है तो जैसे हम मोहन लगा के आटा लगाते हैं, ये कुछ उस तरीके का आटा रहता है। तो इसमें हम घी को सबसे पहले अच्छे से मिला लेंगे आटे में, और वो मिलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, क्योंकि अगर आपने एक साथ ज़्यादा दूध डाल दिया तो आपका आटा बहुत पतला हो सकता है, और हमें दूध की बहुत कम आवश्यकता है ये आटा लगाने में, क्योंकि हमने ऑलरेडी घी जो इसमें डाला होता है उसी से आटा काफ़ी हद तक बंध जाता है। तो ये देखिए मैंने अभी आटा लगा लिया है और ये नरम आटा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप किस तरीके का ये आटा लगा है। देखिए, आई होप आपको आइडिया आ गई होगी इस आटे की कि किस तरह का है। तो चलिए अब हम एक थाली लेंगे और थाली को उल्टा करके उस पर हम इसको बेलेंगे। हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बनानी है, एकदम पतली नहीं बनानी है लेकिन फिर भी पतली बनानी है। 2 to 3 mm जितनी थिकनेस हमें रखनी है। आप अगर चाहें तो आप 2 बटर पेपर ले सकते हैं और उसके बीच में इसका जो लोया है वो बनाकर इसे ऊपर नीचे, मतलब बटर पेपर के बीच में रख के इसे बेल सकते हैं। ऑलराइट, नहीं तो आप डायरेक्टली थाली के पीछे इस तरीके से बेल सकते हैं जैसे कि मैं बेल रही हूँ। तो ये बेलने के बाद हम इसके टुकड़े करेंगे, इसे कट करेंगे। तो आप कोई भी डिज़ायर्ड शेप में और कोई भी डिज़ायर्ड साइज़ में इसे कट कर सकते हैं। तो अब मैं इसे कट करने जा रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से। हम इसके जो बिस्किट्स बना रहे हैं वो रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। आप अपने मनपसंद साइज़ में इसे कट कर सकते हैं। आपको चौड़ाई कितनी चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो चलिए हमने इसे कट कर लिया है रेक्टेंगल शेप में। अब इसके जो साइड्स हैं, जो रेक्टेंगल नहीं है, हम इसके जो बॉर्डर है वो वाले साइड्स हम इसके निकाल देते हैं और उसे हम वापस एक लोया बनाकर बेल के इस तरीके से रेक्टेंगल में कट कर लेंगे। तो ये अब जो हमने कट किए हैं, अब हम एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक के सहारे हम जो उसका पीछे का साइड होता है, पॉइंटेड नहीं, उसका जो उल्टा पीछे वाला साइड होता है, उससे हम ये बिस्किट्स के इसमें हम होल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें
दो पैरेलल लाइंस में इसमें चार चार मैं होल कर रही हूँ, जैसे कि आप इसे देख रहे हैं। हमें सारे बिस्किट्स को इसी तरीके से करना है। और ये होने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी चीनी। जी हाँ, मैं इस पे हल्की हल्की चीनी डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इस पर चीनी डाल सकते हैं, वरना ना डालें। तो इस पे मैं थोड़ी थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। चलिए, चीनी हमने डाल दी है। अब हम लेंगे एक ट्रे या फिर थाली या प्लेट जिसमें हम इसे बेक करने वाले हैं, उसको हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। मैंने घी लगाकर इसे ग्रीस किया है। आप चाहें तो तेल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्रीसिंग करने के बाद में हम इस पर डस्टिंग करेंगे। तो मैंने लिया है गेहूं का आटा, आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आटा हम इस पर डालेंगे, बुरकाएंगे और इसे इस तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे। अगर आपके थाली में थोड़ा भी एक्स्ट्रा आटा हो तो आप उसे ना लें, उसे डाल दें, निकाल दें, ठीक है। तो चलिए, अब हमने इसको डस्टिंग कर ली है। अब हम इस पर बिस्किट्स रखेंगे। ये जो बिस्किट्स हैं ये बहुत ही ब्रिटल होते हैं, ये जल्दी से टूट जाते हैं, तो बड़े संभाल कर आपको इसे उठाकर इसमें रखना पड़ेगा। ये बिस्किट्स हमने रख दिए हैं इस प्लेट में। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हैं कि कढ़ाई को आप पहले ही प्री हीट कर लें। तो कढ़ाई में अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। नमक हम बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये नमक फ्रेश नमक मैंने लिया है। इस नमक को आप कई बार बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हो तो ये नमक इस्तेमाल करने के बाद आप बिल्कुल ना फेंकें। आप इसे एक बॉटल में रख सकते हैं और जब कभी आपको बेक करना हो आप इसी नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक सेंटर में रखेंगे रिंग और इस कढ़ाई को हम ढक देंगे। 10 मिनट के लिए हमें इस कढ़ाई को हाई फ्लेम पर प्री हीट करना है। 10 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और इसमें हम रखेंगे हमारी बिस्किट की प्लेट। तो अब मैं ये प्लेट इसमें रख रही हूँ और अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे बेक होने देंगे। ये बिस्किट्स ऊपर से सॉफ्ट ही रहते हैं जब हम गैस को बंद करते हैं। अब देखिए, 12 मिनट हो चुके हैं और ये बिस्किट्स हमारे हो गए हैं। ये ऊपर से अभी भी थोड़े नरम हैं, लेकिन ठंडे होने पर ये बिस्किट क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमारे घर पर बने हुए गेहूं के आटे के बिस्किट्स तैयार हैं खाने के लिए। एकदम यमी और डिलीशियस घर पे बने हुए बिस्किट्स, टी टाइम के लिए एकदम परफेक्ट और बच्चों के लिए भी एकदम परफेक्ट। ये बिस्किट्स बनाने में टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपकी टाइमिंग ऊपर नीचे हुई या आपने थोड़ा भी ज़्यादा इसे बेक कर दिया तो आपके बिस्किट्स बहुत ही हार्ड बनेंगे, एकदम कड़क बनेंगे। तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान देना है। इसमें बिस्किट्स ऊपर से हल्के से सॉफ्ट रहेंगे, उस टाइम पर आपको इसे बंद करना है। इसे एकदम डार्क ब्राउन कलर का नहीं होने देना है। ये इसके पीछे के साइड से हल्के से ब्राउन रहते हैं और ऊपर से जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के बनते हैं। तो आप ये बिस्किट्स ज़रूर से बनाएं और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।